हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो इट्स बिन सम टाइम, अपलोड नहीं किया, लेकिन वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं बुराक रेस्टोरेंट जो है M9 मोटरवे पे, और ये बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है और एक अच्छा एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, लेट्स गो। सो गाइस, अभी KFC पे स्टॉप किया हमने। ये टोल प्लाजा से थोड़ा सा टाइम पहले का एक KFC आता है। ये यहाँ हमने गाड़ी रोकी, ये बहुत सम फूड एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड। और आफ्टर वी ईट वी गोना हेड टुवर्ड्स बुराक, और बुराक यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अभी टोल प्लाजा आएगा, टोल प्लाजा के बाद बुराक आता है थोड़े से टाइम बाद। तो इंशाल्लाह होपफुली यू एंजॉय, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अभी हम लोगों ने मोटरवे क्रॉस कर लिया है। अभी टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया, मोटरवे पे आ गए हम लोग। पीछे मोटरवे स्टार्ट है हमारे मोटरवे पे। इसी मोटरवे पे बहरिया टाउन आने के बाद एक रेस्टोरेंट है, जिसको आप रेस्ट एरिया भी कह सकते हैं, जिसका नाम है बुराक रेस्टोरेंट। और आज हम जाएंगे, देखेंगे कि वो कैसा है, लाइक एवरीथिंग, द फूड एंड एवरीथिंग। आई शो यू एवरीथिंग, पूरा इंशाल्लाह आपको टूर देंगे पूरे रेस्टोरेंट का, और देखते हैं आपको कैसा लगता है। अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। थैंक यू। तो हम बुराक रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसका रास्ता बताऊंगा। हम जब मोटरवे को ज्वाइन करते हैं और थोड़ा सा बहरिया टाउन से आगे आते हैं, वी रीच द एटक पेट्रोल पंप, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ उसका वो लगा हुआ है। इस पेट्रोल पंप आते हैं और यहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं। रेस्ट एरिया है, पूरा एक रेस्टोरेंट है, और इसी रेस्टोरेंट के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, बुराक रेस्टोरेंट। यहाँ एक मस्जिद भी प्रोवाइडेड है नमाज के लिए, और सारे रिलीजियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक मार्ट अवेलेबल है, रेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं,
पेट्रोल पंप है, अगर आपको गाड़ी को रिफ्यूल करवाना है, हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है इस रेस्टोरेंट में, इस रेस्ट एरिया में। तो आइए चले, लेट्स सी व्हाट दिस हैज़ फॉर अस, लेट्स गो। तो हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम इस रेस्टोरेंट को एंटर करते हैं तो ये इनका आउटर एरिया आता है, आउटडोर डाइनिंग एरिया, जहाँ आप इन तख्त पर बैठ के आप कुछ भी खा सकते हैं। इनका वास्ट मेन्यू है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। इसके अलावा जब आप इस गेट से एंटर करते हैं तो इनका अंदर भी पूरा डाइनिंग रूम है, इनडोर डाइनिंग है, इन लोगों ने बहुत अच्छी बनाई है। हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है इन द मिडल ऑफ द मोटरवे। रेस्टरूम्स वगैरह यहाँ भी अवेलेबल हैं, जैसे आप वापस बाहर जाते हैं तो आउटडोर डाइनिंग आ जाती है। फास्ट फूड चाहे कितना भी मज़ेदार हो, देसी खानों का अपना ही मज़ा होता है। सो गाइस, वी आर फाइनली डन ईटिंग एट बुराक, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स होम। और बहुत मज़ा आया इस रेस्टोरेंट में, यहाँ का खाना वाना खा के। आप भी आना इधर बुराक में, और रास्ते में KFC है उधर से, आप अगर आपके फैमिली चाहे तो ले लेना, वरना आप अपने पैसे से भी ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का फूड वगैरह बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है, बहुत मज़ा आया। और फाइनली वी आर सेइंग गुड बाय टू बुराक, लेट्स हेड होम।